हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से दोस्तों यहाँ पर कुछ वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की और टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की यहाँ पर इनकी तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन जो है 28 अगस्त 2023 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 18 सितंबर तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सबमिट करोगे उसके लिए यहाँ पर कुछ फीस रखी गई है, जिसके लिए यहाँ पर इन्होंने मोड्स बताए हैं कि किस तरीके से आप फीस पे कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पर फीस पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो और UPI जो है UPI के ज़रिए आप यहां पर ऑनलाइन फीस जो है वो कटा सकते हो। दोस्तों जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों कि ऑनलाइन फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसके लिए दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड होंगे जो इनकी तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है, अगर आप इनमें किसी भी वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर दोस्तों इन्होंने मेंशन की है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों PSE.UK.GOV.IN, तो ये इनकी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 63 वैकेंसी इनकी तरफ से यहाँ पर निकल कर आई है। एक तो 63 टोटल इन्होंने 85 वैकेंसी निकाली गई हैं, इसमें से 63 वैकेंसी जो हैं दोस्तों वो यहाँ पर किसकी निकाली गई हैं, 63 वैकेंसी जो हैं दोस्तों अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत की यहाँ पर 63 वैकेंसी रखी गई हैं और इसके अलावा जो 22 वैकेंसी अदर रहती है दोस्तों वो यहाँ पर रखी गई हैं कर व राजस्व निरीक्षक शहरी विकास विभाग की जो है 22 वैकेंसी यहाँ पर रखी है, जिनको दोस्तों यहाँ पर नीचे कैटेगरी वाइज इन्होंने बांटा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 22 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है, तो इस तरीके से कुल जो है वो 82-85 वैकेंसी इनकी तरफ से निकल कर आई है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें तो 5200 रुपये से लेकर 20200 रुपये की बीच में आपकी सैलरी रहेगी, प्लस आपको ग्रेड पे 2800 रुपये मिलेगा। लेवल 5 के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है दोस्तों इन पोस्टों के लिए, तो अगर आपने बैचलर डिग्री की है दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर डिग्री की है आप यहां पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन दोस्तों जो आपने 10th और 12th किया होना चाहिए वो UK से किया होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट आप देख सकते हो इन पोस्टों के लिए 21 साल मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 42 इयर्स तक अगर आपकी एज आती है आप यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको ऑलरेडी बताया कि इन पोस्टों के लिए आपको ऑनलाइन मोड से यहां पर अप्लाई करना होगा इनकी साइट के ऊपर जाकर, तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड से यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहां पर इन्होंने डिटेल दी है कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन मोड पर जाना है और अप्लाई करना है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपको कोई टेक्निकल इशू आता है तो इन्होंने यहां पर जो है वेबसाइट बताई है UKPSEhelpline@gmail.com, इस वाली वेबसाइट के थ्रू आप इनसे इनको बता सकते हैं आपको कोई भी परेशानी आती है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहां पर आप फीस देख सकते हो क्या कुछ फीस रखी गई है। जैसे कि दोस्तों उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस होगी और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ीस और टैक्स होता है वो 22 रुपये 30 पैसा लगेगा, तो इस तरीके से 172 रुपये और 30 पैसा जो है यहाँ पर टोटल फीस आपकी हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हो दोस्तों कि आपके लिए यहाँ पर कितनी फ़ीस लगने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो इसके लिए आपको रिटर्न टेस्ट आपका लिया जाएगा और रिटर्न टेस्ट में दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आपको क्या पूछा जाएगा, दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आपको यहां पर ये जनरल हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके,
और इसी तरीके से नेक्स्ट पेपर जो रहेगा उसमें जनरल स्टडीज से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों। सामान्य हिंदी से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। सेकेंड नंबर पर सामान्य अध्ययन यानी कि दोस्तों जनरल स्टडीज से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाए। इस तरीके से कुल जो मार्क्स आपके रहेंगे वो 300 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, यानी कि अगर आप कोई गलत क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। नीचे आकर आप यहाँ पर सिलेबस चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। काफ़ी बड़ी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है, तो इस पूरी लिस्ट को आप चेक कर लीजिए कि इन पोस्टों के लिए क्या कुछ यहाँ पर सिलेबस इन्होंने रखा है, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी।